जय हिंद। चलिए आपकी मेहनत चेक करते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये मैं आपके सामने तीन क्वेश्चन लाने वाला हूं रीजनिंग के। आपको तीनों का एक क्रम में आंसर देना है। जैसे इसका जो भी ऑप्शन में आंसर आए, जैसे आपके आया 343, अगले का जो भी आए उससे अगले का आपको कमेंट में ही आंसर देने हैं। और आज की रात की जो 8 बजे की क्लास होगी लाइव, उसमें मैं इनका सोल्व बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है 13-64-15 क्वेश्चन मार्क, 13:64 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। तो बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 126 आएगा, 216 आएगा, 343 आएगा या 512 आएगा, ये आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है 12:8-24 क्वेश्चन मार्क, 12:8-24 क्वेश्चन मार्क, 12:8-24 अनुपात क्या आएगा आपको बताना है। 216 आएगा, 126 आएगा, 136 आएगा या 512 आएगा। ध्यान रखना है रीजनिंग का है, रीजनिंग में रूल नहीं लॉजिक लगते हैं। तो जिस प्रकार 12 को 8 लिखा गया है उसी प्रकार 24 को क्या लिखा जाएगा आपको इन ऑप्शन में दे बताना है भाई, ठीक है, कमेंट्स में। और ये आज रात के 8 बजे की जो क्लास रहेगी उसमें सोल्व किए जाएंगे तीनों के तीनों क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले ये सोल्व किए जाएंगे। ये लीजिए 17-64, 17 को किसी सांकेतिक भाषा में 64 लिखा जाए तो 29 को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाए, इस पूरा क्वेश्चन का अर्थ ये बनता है। तो 17:64 समानुपात 29:1 क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है क्या आएगा, 100 आएगा, 121 आएगा, 127 आएगा या 122। अब इन तीनों जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको लगातार लिखने हैं और मैं रात की क्लास में बताऊंगा कि किसने सही जवाब दिया है तीनों क्वेश्चन का, ठीक है। तो वेट करना रात 8 बजे कि आपके आंसर सही है या नहीं, ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत, लव यू।